बच्चों, आज हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो लाल है, ऑरेंज है, ऑरेंज मतलब केसरी, येलो मतलब पीला, हरा और बैंगन, बैंगनी कलर, बैंगनी। तो अभी आपको क्या करना है, मैं अभी यहाँ पे इंद्रधनुष की तरह निकालती हूँ। अभी आपको इंद्रधनुष की तरह निकालना है। यह हो गया लाल, लाल लाल क्या रहता है यहाँ पे, सेब, सेब का चित्र निकालना है, ठीक है। बड़ा वाला निकालिए, मैं छोटा वाला निकाल रही हूँ, आप बड़ा वाला निकालिए, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, स्ट्रॉबेरी लाल कलर का, ठीक है। और क्या रहता है, चेरीज, जो भी और लाल रंग के क्या रहते हैं, वो जो कुछ भी लाल रंग के रहते हैं, पांच फलों को आपका चित्र बनाकर यहाँ पे कलर भरना है, ठीक है। यहाँ पे और लिखना है आगे लाल, लाल रंग करके लिखना है इस तरीके से। उसी तरीके से दूसरा वाला कौन सा है, केसरी, केसरी कौन सा रहता है, आम, ठीक है, आम रहता है। और क्या, जैसे आपको जो जो उदाहरण लगे वो देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए। और यहाँ पे लिखना होता है क्या है, केसरी रंग, ऑरेंज, ऑरेंज, आम, ऑरेंज। और क्या क्या रहता है देखिए, वो कलर कीजिए और उसके सामने ऑरेंज करके लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है येलो वाला, येलो मतलब क्या है, पीला कलर। पीला कलर में क्या आता है, पीले में पहला वाला आता है बनाना, बनाना येलो कलर में। और क्या आता है येलो, येलो बनाना हुआ, बहुत सारे फल के नाम हैं, बनाना, जैसे कि एप्पल भी आते हैं येलो कलर के, ग्रीन कलर के एप्पल भी आते हैं, तो बहुत सारे से फल के नाम हैं देखिए। और वहाँ पे सब्ज़ी भी डाल सकते हैं आप, पीले कलर के कैप्सिकम भी आते हैं, कैप्सिकम भी आते हैं। और इसके बाद कौन सा आता है यहाँ पे, हरा वाला, हरा वाला धनिया डाल सकते हैं आप, स्पिनच। उसके बाद क्या बोलते हैं, हरा हरा क्या रहता है, अंगूर, और ग्रीन मटर सब रहते हैं। वो हरा वाला चित्र निकाल कर इसमें कलर भरना है, इसमें कलर भरना है और इसके सामने लिखना है, यहाँ हरा करके लिखना है, ठीक है। यह हो गया पीला, और ये हो गया हरा, और ये वाला हो गया पर्पल, बैंगनी कलर, बैंगनी कलर। तो यहाँ पे क्या आता है, ब्रिंजल आता है, अंगूर आते हैं, ठीक है, वो ब्रोकोली आता है, ग्रीन कलर का भी आता है और बैंगनी कलर का भी आता है। उसका चित्र देखिए और चित्र बनाइए यहाँ पे, और उसके सामने रंग के नाम भी लिखिए, ठीक है। ये हो गया रेनबो कलर का फ्रूट, रेनबो कलर फलों का इंद्रधनुष, व्हाट वी कॉल, फलों का इंद्रधनुष, ठीक है, फलों का इंद्रधनुष। अभी ये हो गया, ये एक्टिविटी आपको करनी ही है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखे गए अधूरे शब्द को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए, न लगा कर लिखना है, म लगा कर लिखना है, यहाँ पे र लगा कर लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ देखिए, आपको ये नए वाले शब्द ढूंढ कर आपको लिखने हैं। नल, ये देखिए नल मैंने यहाँ पे लगाया, नट, नमक, नगर, इस तरीके से आपको इसमें न अक्षर लिखाना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म लगा कर लिखना है, तो
तो यहाँ पे कमल, ये देखिए एक मैं लिखती हूँ, बाकी का आपको खुद ब खुद नए शब्द 10-10 लिखने हैं। मैंने अभी 5 यहाँ ऑलरेडी लिखा है, तो अभी खुद आप 5 ढूंढ कर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए र लगा कर लिखना है, ये क्या है, मटर, लटर, खंडर, कमर, इस तरीके से आपको र लगा कर लिखना है। ये हो गया दूसरा एक्टिविटी, ठीक है, वर्कशीट। अभी तीसरा वाला जो आता है यहाँ पे देखिए, पहचानो और लिखो। पहचानिए ये कौन सा है, आप पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, ये मुझे तो कमल लग रहा है, कमल, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, ये है कलम, कलम। यहाँ है घर है, यहाँ आम है, यहाँ नल है, यहाँ थर्मास है, यहाँ अंगूर है, यहाँ झंडा है और यहाँ बतख। यह भी आपको तीसरा वाला एक्टिविटी लिखनी है, घर में बैठ के ये पूरा अक्षर सहित करेक्ट लिखने हैं। उसके बाद देखिए अंत में आता है, शब्दों के अंत में र जोड़कर लिखना है, नए शब्द बनाने हैं। अभी देखिए यहाँ तो कॉमन है सब में र, यस, या सब में, इन सब में कॉमन है र, तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ फर्स्ट वन से, यहाँ पे मैं अभी लिखूँगी भंडार, ठीक है, ये भंडा है, उसको जोड़कर मैं भंडारा करके लिखती हूँ। उसी तरीके से दूसरा वाला जो है संसार, ठीक है, ऐसे वाला। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पूरे के पूरे जितने भी हैं अक्षर, 8 अक्षर है, उसको आपको खुद ब खुद लिखना है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे लिखना है करके, अक्षर को जोड़ कर यहाँ लिखना है और अपने क्लास वर्क में ही ये पूरा सॉल्व करना है। समझ में आ गया, कहीं भी और दूसरी तरफ नहीं लिखना है, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही, और दूसरे क्लास में हम कुछ अलग वर्कशीट्स लेके आएंगे, तो वो सीखने के लिए आपको अच्छा रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।